नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम एग्रीकल्चर इंडिया में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चने की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि किसान भाइयों, दिन पर दिन चने के भाव में हमें यहाँ पर जो है मंदी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में किसान भाइयों का कहना ये है कि हमें यहाँ पर तेज़ी जो है कब तक देखने को मिल सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो है कि हमें यहाँ पर चने में मंदी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान भाइयों अभी चने की हार्वेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, साथ ही साथ मंडियों में आवक भी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो चुकी है। बात करें किसान भाइयों, दो दिन पहले मंडी में लगभग 300 से लेकिन 350 के बीच में हमें यहाँ पर जो है आवक देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ही बात करें तो किसान भाई आज हमें यहाँ पर लगभग 500 से 600 के बीच में जो है आवक बोरी में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि आवक भी देखने को मिल रही है और एक तरफ से हमें यहाँ पर चने में कोई डिमांड भी नहीं देखने को मिल रही है। कुछ लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि लगभग 5 से 6 देशों में निर्यात होगा, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है कि निर्यात कब तक होगा। हाँ, लेकिन मंडी एक्सपर्ट का कहना है कि चने में हमें तेज़ी लगभग 1.5 से 2 महीने बाद यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि उस वक्त चने की हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, अधिकतर चना जो है मंडियों में पहुँच जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर चने में डिमांड बनने लगेगी, तो हमें यहाँ पर चने में तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें कि निर्यात कब तक होगा, तो किसान भाइयों निर्यात की अभी तक कोई भी जो है यहाँ पर तारीख वारीख नहीं बताई गई है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह जो है एक सिर्फ अफवाह ही बताई जा रही है। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।